कि मैं 5 अगस्त को कोई राष्ट्रीय पर्व नहीं मनाने वाला, क्योंकि मेरा सवाल यह है कि 52% ओबीसी कहां खड़ा है आज, जिसने गर्व से कहा था कि वह हिंदू है। राष्ट्र निर्माण की लैंड रिफॉर्म, एजुकेशन रिफॉर्म, एम्प्लॉयमेंट रिफॉर्म, बड़े बारीकी से घटना को सुनिएगा। जिस दिन जिस समय बीपी मंडल बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बरौनी रिफाइनरी में तेल का रिसाव हो गया और गंगा में तेल फैल गया जिसमें आग लग गई। बिहार विधानसभा में पंडित विनोदानंद झा ने कहा, शूद्र मुख्यमंत्री बना है तो गंगा में तो आग लगेगी ही। ये वो दौर था, ये वो राजनीति थी। और आज कुछ पिछड़े जाते के लोग जब ये कहते हैं कि हम अहिर क्षत्रिय हैं, हम अहिर क्षत्रिय हैं, तो मुख्यमंत्री का आवास क्यों धुलवाया गया था, आपके इनकाउंटर क्यों हो रहे हैं, आपको जाति के नाम पर भेदभाव क्यों किया गया, आपके प्रोफेसर क्यों नहीं है, आपके जज क्यों नहीं है, आपके वकील क्यों नहीं है, सोचने की जरूरत है। लोदी राजपूत है तो हम कुशवाहा राजपूत है तो हम ये राजपूत है, सीधे सीधे ये कहा गया कि तुम शूद्र हो। फूले ने कहा कि ओबीसी तुम शूद्र हो तो आप नहीं मानते, आप कहते हैं कि नहीं हम वर्ण व्यवस्था और धार्मिक शास्त्रों को नहीं मानते, तो हम फूले की यह बात क्यों माने कि हम शूद्र हैं, हम तो किसान हैं। तो फिर आपको जब तिरस्कृत करना होगा तो वह अपर कास्ट ब्राह्मणवादी मानसिकता आपको वर्णाश्रम व्यवस्था में शूद्र ही घोषित करेगी। इस पूरी घटना के बाद 72 में विधान सभा के सदस्य चुने जाते हैं, 77 में जनता पार्टी के टिकट पर मधेपुरा से फिर से सांसद चुने जाते हैं, और 77 में जब जनता पार्टी के बिहार संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के नाते लालू प्रसाद को कर्पूरी ठाकुर और सत्येंद्र नारायण सिंह के विरोध के बावजूद छपरा से लोकसभा टिकट मंडल जी ने ही दिलवाया था। ये कुछ ऐतिहासिक प्रसंग है। 1 जनवरी 1979 का दिन था, मुरारजी देसाई ने यह किस्सा चलता है कि उनको बुलाया मंडल जी को, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को, और उनसे कहा कि तुमको पता है कि मैंने क्यों तुम्हें कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया, क्योंकि मैं तुम्हें उससे बड़ा एक काम देना चाहता हूँ जो इस देश की पूरी राजनीति को, पूरी समाज को बदल कर रख देगा। यह जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर देना चाहता हूँ और मैं तुम्हें अन्य पिछड़ा वर्ग का दूसरा राष्ट्रीय आयोग बना रहा हूँ, उसका अध्यक्ष बनाता हूँ, इस जिम्मेदारी को निभाओ तुम इतिहास में दर्ज हो जाओगे। तमाम लोग इतिहास में खो गए, मिट गए, लेकिन शायद जब तक इस देश में ओबीसी के साथ अन्याय रहेगा, ओबीसी की पहचान रहेगी, ओबीसी के हक हुकूक के सवाल रहेंगे, मंडल कमीशन का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। और बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को बार बार इस बात के लिए याद किया जाएगा कि एक ऐसा राष्ट्र निर्माण का दस्तावेज उन्होंने तैयार किया जिसे 9 जजेस की बेंच में खारिज नहीं किया जा सका, जिसे तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के तमाम विरोध के बावजूद रोका नहीं जा सका, और आज भी वो सीना तान करके चुनौती दे रहा है। बेशक उसके लाभार्थी कुछ एहसान फरामोशी के शिकार हो गए हैं, बेशक अपने हक हुकूक के लिए सचक नहीं है और मंडल कमीशन आज राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अधूरा है, लेकिन वह बीजारोपण हो चुका है जो आज नहीं कल अन्य पिछड़े वर्ग के बीच से एक ऐसी जमात, ऐसे तबके को जरूर पैदा करेगा जो अपने हक हुकूक के लिए सवाल करेगा और किसी तरह के भी वेद पुराण, गीता, बाइबिल, कुरान और रामचरित मानस को अपने घरों से निकालेगा और मंडल कमीशन के रिपोर्ट को सामने रखेगा और कहेगा कि हमारा हक हमें चाहिए, हमें शिक्षा का हक चाहिए, हमें रोजगार का हक चाहिए, हमें जमीन का समान वितरण चाहिए, हमें प्रमोशन में रिजर्वेशन चाहिए, हमें निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन चाहिए। ये वो दस्तावेज है और इसलिए मैंने इस शीर्षक में लिखा कि राष्ट्र निर्माण की वह प्रक्रिया जो अभी अधूरी है, बीजारोपण हो चुका है, खेत की जुताई हमारे पुरखों ने की है, बहुत लानतें मनालतें झेली हैं उन्होंने, त्याग किया, कुर्बानियां दी, उसके बाद हम आज यहां पहुंचे हैं। लेकिन आज हम जहां पहुंचे हैं इस पर जो संकट है, जहां से मैंने अपनी शुरुआत की बात की थी कि उस दौर में जब 80 में इसकी रिपोर्ट के अनुशंसाएं टेबल की जाती हैं और उसके बाद किस तरह से यह पूरा मामला आगे बढ़ता है, ज्ञानी जैल सिंह के सामने यह होता है 1982 में, इसको संसद में रखा जाता है लेकिन इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, तो वही पेरियार की जमीन, उत्तर भारतीयता के दबाव में हम सारे सामाजिक न्याय की ठेकेदारी उत्तर भारत के लोग ले लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उस समय पेरियार की विरासत के लोगों ने
करुणानिधि ने, डीएमके ने लगातार 10 साल तक आंदोलन किया कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करो। इसलिए हमें दक्षिण भारत की उन आवाजों को आज भी, जहां डीएमके जिस तेवर और तेज के साथ है, जिस वैचारिक स्पष्टता के साथ है, वो पेरियार की जमीन है। उत्तर भारत के भी नेताओं ने इसके लिए संघर्ष किया। समाजवादी पृष्ठभूमि के, जनता पार्टी के, जनता दल परिवार के तमाम नेताओं ने, और मान्यवर कांशी राम, जिनको जरूर याद करना चाहिए, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, और रैलियां की। अब इस इतिहास में जाने की बजाय मैं कुछ आज की बात कह करके फिर इस बात को अंतिम पड़ाव तक ले चलने की कोशिश करता हूं। 7 अगस्त 1990, वह प्रधानमंत्री जिसने 31 मार्च 1990 को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया था, उस गठबंधन का प्रधानमंत्री जिसके घोषणा पत्र में यह लिखा हुआ था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे, वह दौर जब मंदिर आंदोलन के लिए तमाम तरह से आततायी शक्तियां सड़कों पर उपद्रव करने पर आमादा थी, वह दौर जब 7 अगस्त 1990 को प्रेस नोट जारी किया जाता है, 9 अगस्त को इंप्लीमेंट करने के लिए आता है, 13 अगस्त को उसकी सरकारी अधिसूचना जारी होती है, और 15 अगस्त 1990 को लाल किले की प्राचीर से वीपी सिंह मंडल कमीशन के 2 अनुशंसाओं को लागू करने की घोषणा को राष्ट्र के नाम संबोधन में एड्रेस करते हैं। और उस समय वीपी सिंह का यह प्रसिद्ध वाक्य अन्य पिछड़े वर्ग के तमाम लोगों को संबोधित करते हुए मैं कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि मैंने राजनीति का व्याकरण बदल दिया है, मैंने एक ऐसे बच्चे को मां के गर्भ से बाहर कर दिया है जिसे अब वापस अपनी मां के गर्भ में नहीं ले जाया जा सकता, वह बच्चा बड़ा होगा, वह बच्चा अपना हक हुकूक मांगेगा। आज दिक्कत यह है कि उस बच्चे की शैशवावस्था में ही लालन पालन में बहुत चूक हुई है, ग्रामर बदला है, और उसी बदले हुए ग्रामर का परिणाम यह था कि जो मंदिर आंदोलन किसी किसी छोटे छोटे संगठन का चल रहा था, पूरे देश की मनुवादी ब्राह्मणवादी ताकतें एक हो जाती हैं बाबरी मस्जिद पर हमला करने के लिए। इस देश में 15% ब्राह्मणों के सत्ता में, ज्ञान में हिस्सेदारी के वर्चस्व को सुनिश्चित करने के लिए मंडल कमीशन का सीधे विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। ये उन लोगों की बात मैं कर रहा हूं, और ऐतिहासिक तथ्य है, जो लोग सीधे मंडल कमीशन का विरोध नहीं कर सकते थे उन लोगों ने रथ यात्रा शुरू कर दी, कमंडल की यात्रा। ये इतिहास है, ये फैक्ट है, और ये फैक्ट मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि ठीक बात है कि 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत कर दी थी, उन्होंने तमाम तरह के संगठन बना लिए थे भूमि पूजन के लिए, कभी सांसदों को लिख रहे थे, 250 सांसद बियॉन्ड द पार्टी लाइन संसद में बैठ करके ये मेमोरेंडम देते थे कि राम मंदिर बनना चाहिए। कहां गया वो सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व, भूलिएगा मत इतिहास को। और आज आप जब सबसे क्रूरतम दौर में है, तब यह बात मैं और तेवर के साथ कहना चाहूंगा कि उसमें बियॉन्ड द पार्टी लाइन बहुत सारे लोग खड़े थे कमंडल के समर्थन में, वैसे ही वे सारे लोग जो अपर कास्ट, अपर क्लास, आरएसएस वाले हिंदुत्व के खेमे के थे, वही सारे लोग कमंडल के पक्ष में खड़े लोग मंडल के विरोध में खड़े थे। ये ऐतिहासिक तथ्य है। तो जो मध्यम आंदोलन चल रहा था मंदिर का, जैसे ही मंडल कमीशन की अनुशंसाएं लागू होती हैं, 25 सितंबर 1990 को रथ यात्रा शुरू कर दी जाती है। अगस्त के अंतिम सप्ताह में उसी 1990 में दिल्ली में आपात बैठक होती है सारे हिंदूवादी संगठनों की, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ, और रथ यात्रा शुरू कर दी जाती है सोमनाथ से अयोध्या तक। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। इस पॉलिटिक्स को समझिए साथियों, ओबीसी के लोगों, ये आपके लिए है। आप बेशक मुझे गालियां देते हैं, देते रहिए, लेकिन मेरा फर्ज है कि जो इतिहास मैं जानता हूं, मैंने अपने पुरखों का इतिहास पढ़ा, मैंने फूले अम्बेडकर पेरियार को पढ़ा, मैंने मंडल कमीशन की जब अनुशंसाओं को पढ़ा, तो लाठियां खाई हैं हमारे नेताओं ने, सड़कों पर लड़ाइयां लड़ी हैं, और आपके भटकाने के लिए उन्होंने कमंडल का केवल आंदोलन इसलिए तेज कर दिया क्योंकि वो मंडल का विरोध सीधे नहीं कर सकते थे, और पूरे देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंक दिया,
केंद्र में कांग्रेस की सरकार, राज्य में बीजेपी की सरकार, और बाबरी मस्जिद पर आक्रमण करके उसे ध्वस्त कर दिया। ठीक बात है, हम सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें हक है इस बात का, अपनी आपत्ति जताने का कि यह फैसला उचित नहीं है। बस वही संविधान हमें इस बात की भी छूट देता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को संसद में बैठ करके कैसे बदल दिया जाता, यानी वो चुनौती दी जा सकती है। तो आम आवाम सबसे बड़ी है, आम आवाम सबसे ऊपर है। तो इस लिहाज से ठीक है, अब आपका 5 अगस्त को ये घोषित कर दिया जाएगा कि 15 अगस्त जैसा आजादी तब थी, वह आजादी 5 अगस्त को कहां गया मंडल कमीशन का पूरा आंदोलन, और पूरा ओबीसी समाज इस बात के लिए आज लहालोट है कि उसको नई आजादी मिल गई है। क्या यही इतिहास हम पढ़ेंगे? आइए कुछ तथ्य पर बात करते हैं। ये हो गई भावुक बातें, और इस पूरे मसले को आप बिना इसके नहीं समझ पाएंगे। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, 10 साल हो गए, लगातार आरटीआई लगाई, और मेरे तमाम साथी, वरिष्ठ साथी, तमाम और सामाजिक कार्यकर्ता, वे सारे लोग भी इस काम को लगातार करते रहे, और मैं ओबीसी समाज से इस समय मुखातिब होना चाहता हूं। और फिर से मैं वो आंकड़ा आपके सामने रखता हूं जो पहले भी मैंने रखा है, 52% आबादी है मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर आपकी। आप ये नारा बेशक लगा करके गुंबद पर चढ़कर तोड़ने गए थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का क्या नारा लगा था? वो जो बच्चा बच्चा राम का था, तो रामलला के जो राजनीतिक झंडा बरदार थे, उन्होंने आपको क्या सौंपा है ओबीसी के लोगों? मेरा सवाल आपसे है, मंदिर वंदिर मैं अभी नहीं उस पर कुछ टिप्पणी कर रहा, मैं आपके हक हुकूक का सवाल पूछ रहा हूं। मेरा पहला सवाल ओबीसी समाज से यह है, आपने कितने माता पिता, बड़े बूढ़े बुजुर्ग, उन लोगों से मेरा सवाल है, आप में से कितने लोगों ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी? आपने अपने कितने बच्चों को यह बात समझाया कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट न होती तो आपको नौकरी न मिली होती? आप हिंदू थे, आप बड़ी जातियों के लोग थे जो क्षत्रियों को होने का दावा करते हैं और शुद्ध होने पर लिंचिंग करने वाली जातियां हैं, आप शिक्षा में क्यों नहीं थे जब तक मंडल कमीशन नहीं था? आप आईएएस पीसीएस क्यों नहीं थे? जज आज तक आप क्यों नहीं है जहां आरक्षण नहीं है? मीडिया में ब्यूरो चीफ एडिटर आज तक आप क्यों नहीं है जहां आरक्षण नहीं है, जहां मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं है? निजी क्षेत्र की कंपनियों में टॉप 100 टॉप बिजनेसमैन में क्यों आप नहीं है जहां मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं है, या वो उस दायरे से बाहर है? ये मेरा सवाल आपसे है। आप हिंदू हैं भाई, फिर आप वहां क्यों नहीं है? आप जज क्यों नहीं है? आप प्रोफेसर, जहां पर रिजर्वेशन लागू है उसका आंकड़ा बता रहा हूं अभी, आपके कैबिनेट सेक्रेटरी कितने हैं? आपके जो वाइस चांसलर है वो कितने हैं? प्रिंसिपल कितने हैं? आपके ओबीसी समाज के लोगों, 52% आबादी है, कितने फीसदी हैं आप लोग? आपके बच्चे कितनी तादाद में आईआईटी आईआईएम में पढ़ रहे हैं? आपके बच्चे कितनी तादाद में विदेश में जा रहे हैं? आपके बच्चे कितनी तादाद में अशोका, गलगोटिया और एमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जहां लाखों की फीस दे करके बड़ी बड़ी डिग्रियां और विदेश में सीधे करोड़ों के पैकेज पर कैंपस सिलेक्शन हो रहा है? ये सवाल मेरा आपसे, क्यों आपने इसके बावजूद मंडल कमीशन की रिपोर्ट नहीं पढ़ी? क्यों आपने यह सवाल अपने बच्चों को नहीं बताया कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू न होती तो आपको यह हक हुकूक नहीं मिल पाता? और आपने क्या इसकी 40 अनुशंसाएं पढ़ी? क्या हिंदू बने हो आप? आपसे मैं मुखातिब हूं, क्या आपने यह बात समझने की कोशिश की कि 40 अनुशंसाओं में से केवल 2 अनुशंसाएं लागू हैं? केवल शिक्षा, सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों में आरक्षण और सरकारी नौकरियों में आरक्षण, बाकी का कहां गया? जो 40 अनुशंसाएं थी, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण, भूमि सुधार, शिक्षा सुधार, जो वित्तीय निगमों की स्थापना की बात की गई थी, हस्तशिल्प कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात की गई थी, हर जिले में सरकारी हॉस्टल बनाए जाने की बात की गई थी ओबीसी के लिए, हिंदू लोगों आपके लिए, कितने ओबीसी के हॉस्टल हर जिले में बने हैं? कितने वित्तीय निगम बने हैं ओबीसी के लिए? हस्तशिल्प कुटीर उद्योग, कुम्हार, लुहार, नाई, बढ़ई, मोची, निषाद, इन सब के
पुश्तैनी पेशों के लिए कितना अनुदान मिलता है आपको, ये मेरा सवाल है आपसे। भूमि सुधार हुआ क्या ओबीसी समाज के बीच में? ये 38 अनुशंसाएं लागू नहीं हुई हैं। आपने अपने बच्चों को पढ़ाया क्या, खुद पढ़े क्या मंडल कमीशन की इन अनुशंसाओं को? क्योंकि आप हिंदू हैं, गर्व से कहिए आप हिंदू हैं। ये सवाल कहां है? मेरा सवाल सीधा सा ये है कि ये सारे सवाल कहां है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट में से 38 अनुशंसाएं लागू होंगी जो आपको पता ही नहीं है? लैंड रिफॉर्म नहीं पता आपको? मैं एक दो चीजें हैं, वो सारी चीजें आप क्यों नहीं जान पाए, क्यों नहीं इस चीज के लिए लड़ पाए? विशेष कोचिंग का इंतजाम ओबीसी बच्चों के लिए किया गया था, वैज्ञानिक तकनीक और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट बनाने का सिफारिश की गई थी, आरक्षण से बहुत छोटी सा हिस्सा नौकरियों में जा पाता है, शेष को व्यावसायिक कौशल की जरूरत है जिसका फायदा वो उठा सके। क्या व्यावसायिक कौशल निगम बनाए गए क्या ओबीसी के लिए? ये अनुशंसाएं हैं चैप्टर 13, 40 अनुशंसाएं। आवासीय स्कूल बनाए गए, बने जाने का प्रावधान था, बना क्या? प्रौढ़ शिक्षा। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक रिफॉर्म सिलेबस से लेकर के तमाम चीजों में फॉलो अप कार्यवाही की जाएगी कि हम जो पॉलिसी बना रहे हैं उसमें से कितना फायदा मिल रहा है, कितना मिला आपको, यह सवाल मिला है आपसे। सामाजिक राजनीतिक संतुलन शीर्ष किसानों के पक्ष में बनता है और इससे अन्य छोटे किसानों मजदूरों के प्रभुत्व बनाए रखने में मदद होती है, इसलिए उन्होंने कहा कि सरकारी रोजगार और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के साथ सभी संभव वित्तीय सहायता तब तक सिर्फ दर्द घटाने वाली औषधि साबित होगी जब तक कि पिछड़ेपन की समस्या जड़ से न समाप्त कर दी जाए। इसलिए बड़े पैमाने पर छोटे भूमिधारक, जोतदार, कृषि श्रमिक, गांवों में काम चलाऊ कारीगर, अकुशल श्रमिक आदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के होते हैं। इसलिए सामाजिक परंपराओं के अलावा साधन संपन्न उच्च कृषकों की प्रभुता की वजह से मुख्य रूप से कर्ज देने, जमीन का छोटा टुकड़ा पट्टे पर देने और घर के लिए जमीन मुहैया कराने और झोपड़ियां डालने के लिए जमीन देने से गरीब किसानों से औपचारिक बंधन बन जाते हैं और नौकरशाही का बड़ा तबका शीर्ष किसानों से जुड़ा होता है और वर्ग व जातीय जुड़ाव की वजह से सरकारी कामकाज करने वालों के साथ संबंध बना लेता है। इसलिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट कह रही है छोटी जोत वाले किसान, छोटे मजदूर जो साहूकार और ऊंची जाति के अधिकारियों के जाल में फंसे हुए हैं उनकी मुक्ति के लिए प्रावधान किए गए, ये मंडल कमीशन कह रहा है। लैंड रिफॉर्म, इकोनॉमिकल रिफॉर्म, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, एजुकेशन रिफॉर्म, आप हिंदू बने हो बेटे, कितना रिफॉर्म आपका हुआ? आप ट्विटर पे बैठ करके गालियां देते हो, सामाजिक न्याय को गालियां देते हो, आरक्षण को गालियां देते हो, ओबीसी के लोगों या अपर कास्ट के लोग तो गाली ही देंगे भाई, उनका तो पूरा हेजिमन ही उसी से बना हुआ है। ये मेरा सवाल उन माताओं पिताओं से है, उन घर में बैठ करके रोज जहरीले न्यूज चैनल देख करके अपने बच्चों को दंगाई बनाने वाले लोगों से है कि आपने मंडल कमीशन की सिफारिशें क्यों नहीं पढ़ी, और उन बच्चों से है जो विश्वविद्यालयों तक आप आए हैं, विश्वविद्यालयों की दहलीज तक चले गए, आपने मंडल कमीशन की रिपोर्ट नहीं पढ़ी, और उन विश्वविद्यालयों के लोगों से मैं फिर से वही आंकड़े कहता हूं, प्रोफेसर का आंकड़ा 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 1 जनवरी 2020 तक का आंकड़ा, ओबीसी के 96% प्रोफेसर के पद खाली हैं और कुल ओबीसी 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुल प्रोफेसर कितने हैं मैं बता रहा हूं, कुल प्रोफेसर के पद पूरे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो हैं सैंक्शन है 18,243, 11,555 और वैकेंट उसमें से 6688, और उन वैकेंट पोस्ट में से पता है 96% वैकेंट पोस्ट ओबीसी की है, प्रोफेसर पे केवल 9 प्रोफेसर। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, 5 अगस्त को 15 अगस्त की तरह आपको नया राष्ट्रीय पर्व मिला है, राम मंदिर बन रहा है तो सारे कष्ट मिट गए, मेरा कष्ट यह है कि ये 9 प्रोफेसर आजादी के 70 साल बाद 52% ओबीसी आबादी के क्यों हैं? इसका जवाब मुझे चाहिए गर्व से कहो हम हिंदू हैं वाली विचारधारा और ओबीसी लोगों से जो उसके पक्ष में खड़े हैं। एसोसिएट प्रोफेसर 94.30 पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर की 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी की खाली है, गर्व से कहो हिंदू हैं।
41.82% असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट ओबीसी की इस देश के 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में खाली है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों का आंकड़ा यह है, तो 800 विश्वविद्यालय, 40,000 डिग्री कॉलेज, इतने विश्वविद्यालयों में ओबीसी कितने होंगे, कितने वाइस चांसलर हैं, कितने प्रिंसिपल हैं, कितने डीन हैं, कितने आपके प्रोवीसी हैं, कितने रजिस्ट्रार हैं, कितने विभागाध्यक्ष हैं ओबीसी। यह सवाल आपसे है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, मैं भी हिंदू बनना चाहता हूं। लेकिन मैं जब अपने देश में यह देखता हूं कि 5 अगस्त को 15 अगस्त की तरह एक नया आजादी का दिन मिल गया है, मैं नई एजुकेशन पॉलिसी में यह देख रहा हूं कि अब मुझे मानव से महामानव, विश्व मानव बनाया जाएगा, तो मैं खोजता हूं कि 52% ओबीसी में से 9 प्रोफेसर, 96%, 90%, 94% पोस्ट खाली। मैं कैसे कहूं कि गर्व से मैं हिंदू हूं, और जो गर्व से कह रहे हैं मेरा सवाल है। और जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, फिर बस पूरे डिटेल हैं, अब चूंकि वक्त ज्यादा हो गया है तो मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और अपनी बातचीत खत्म करूंगा और जाते आते ये सवाल पूछूंगा, कितने जज हैं ओबीसी के, जो आज 70 साल बाद 52% ओबीसी, इस देश की आधी आबादी आपकी है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, आधी आबादी आपकी है, आपके कितने जज इस समय सुप्रीम कोर्ट में अब तक बनाए गए हैं 70 साल के आजाद भारत में, कितने वकील सुप्रीम कोर्ट के आपके हैं, कितने कुलपति आपके बनाए गए हैं। 52% ओबीसी, देश की आधी आबादी ओबीसी, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, कितने वाइस चांसलर आपके हैं, कितने ब्यूरो चीफ आपके हैं, कितने ब्यूरोक्रेट्स आपके हैं, कितने कैबिनेट सेक्रेटरी अब तक आपके बनाए गए, कितने मिनिस्टर आपके बनाए गए, एससी एसटी को आरक्षित पद दिए गए हैं, ओबीसी के कितने मंत्री बनाए गए हैं, और कितने लोग हैं जिन्होंने इसके लिए आवाज उठाई। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप कहते हो आपको आरक्षण की जरूरत नहीं, तो जहां आरक्षण लागू नहीं है, मेरा सवाल फिर से आपसे गर्व से कहो हम हिंदू हैं, मीडिया में आरक्षण नहीं है, कितने ओबीसी मीडिया में ब्यूरो चीफ हैं, चीफ एडिटर हैं, कितने एडिटर इन चीफ हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। निजी क्षेत्र जहां ओबीसी आरक्षण या कोई भी आरक्षण लागू नहीं है, 97% जॉब इस समय प्राइवेट सेक्टर में है। मंडल कमीशन तो कह रहा है कि अगर सरकारी अनुदान 1 रुपया भी किसी ने लिया है तो वो प्राइवेट नहीं होता, गर्व से कहो आप हिंदू हो, तो 97% जहां प्राइवेट सेक्टर है वहां कितने परसेंट ओबीसी है, कितने लोगों को नौकरी मिली। और आप 5 अगस्त को नया राष्ट्रीय पर्व मनाने के लिए तैयार है, तो ये तैयारी आपको मुबारक। बीपी मंडल हो, राम मनोहर लोहिया हो, 100 में 100 पाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, वो हिम्मत वो तेवर कहां चला गया? क्या तब वो हिंदू नहीं थे राम मनोहर लोहिया? क्या तब के पिछड़े आंदोलन के लोग हिंदू नहीं बन रहे थे? उनको तो मंदिर में नहीं जाना था। ये मंदिर आंदोलन आपके मंडल कमीशन के आंदोलन के साथ कैसे आ गया? गर्व से कहो हम हिंदू हैं जमात, ये जवाब मुझे आपसे चाहिए। एक तरफ आपका मंडल कमीशन लागू हो रहा है, दूसरी तरफ रथ यात्रा निकल रही है, ये सवाल आपसे क्यों नहीं आपको समझ में आया? बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जिस वक्त ये कहते हुए मारे गए, शहीद हुए, वह वक्त क्या हिंदू होने का नहीं था? वो भी तो इसी 30 साल 40 साल पहले की घटना है, और आज आप हमें ही गालियां देते हो दिन रात बैठ करके कि हम केवल पॉलिटिक्स चमका रहे हैं, हम कौन सा चुनाव लड़े आज तक। लेकिन जब मैं अगर पढ़ता हूं तो मुझे इस बात की पीड़ा होती है कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के समय सोशल मीडिया नहीं था, ट्विटर नहीं था, इतने लोग प्रोफेसर नहीं थे, इतने लोग एजुकेट नहीं थे। आज ओबीसी की इतनी बड़ी जमात पढ़ लिख करके कह रही है गर्व से कहो हम हिंदू हैं, 5 अगस्त को नया वो बनाने जा रही है, तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, खूब गर्व करो कि आप हिंदू हो। लेकिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के नारे के हिसाब से एक सवाल यह भी तो पूछ लो, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, तो वो 90 भाग कहां है आपका? इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि आपसे यह बात मैं एक अपील के तहत कह रहा हूं, और आखिरी बात कह रहा हूं, जो लोग समझते हैं, मैं अब तक संबोधित करा था उन लोगों को जो गर्व से हिंदू खुद को कह रहे थे,
जो 5 अगस्त को नया भारत का राष्ट्रीय पर्व मनाने जा रहे हैं, प्रोफेसर नव है और वो गर्व से हिंदू कह रहे हैं, ब्यूरो चीफ, ब्यूरो एडिटर और इनके ब्यूरोक्रेसी में कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट अधिकारी, आज आपका सारा रिजर्वेशन छीन लिया गया और आप उसी वक्त यह रिजर्वेशन छीना जा रहा था जिस वक्त आप कह रहे थे गर्व से कौम हिंदू है। आज EWS का आरक्षण का कट ऑफ OBC से कम जा रहा है, गर्व से कहिए आप हिंदू हैं। क्रीमी लेयर का प्रावधान 8 लाख से बढ़ाकर 12 लाख किया जा रहा है और उसमें पर्सनल इनकम जोड़ी जा रही है, कृषि की आय जोड़ी जा रही है। इसके बाद आपकी सीटें वैकेंट रह जाएंगी और आपके OBC रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, गर्व से कहिए आप हिंदू हैं। आपके संसदीय समिति ने, गणेश सिंह की संसदीय समिति ने यह रिकमेंडेशन की कि क्रीमी लेयर में यह छेड़छाड़ मत करिए, उसको वापस करके BP शर्मा कमीशन बना करके क्रीमी लेयर बदला जा रहा है, गर्व से कहिए आप हिंदू हैं। प्राइवेट सेक्टर में कोई रिजर्वेशन नहीं रहेगा, गर्व से कहिए आप हिंदू हैं। यूपी की हर नौकरी से लेकर के देश भर के अकादमिक संस्थानों में UR कैटेगरी, अरे OBC के लोगों फिर से एक बात गंभीरता से सुन लो भाई, 52% आरक्षण था सुप्रीम, ये पेज नंबर मैं बता रहा हूं यार, थोड़ा तो समझो फिर गर्व कर लेना हिंदू बनने का। चैप्टर 13 पेज नंबर, ये वाली किताब है पेज नंबर 223, क्या लिखा है, हिंदू और गैर हिंदू ओबीसी की कुल आबादी की करीब 52% बताई गई है पिछड़े वर्ग की आबादी। इसी के मुताबिक केंद्र सरकार के सभी पदों पर ओबीसी के लिए 52% आरक्षण होना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि चूंकि अपर लिमिट है सुप्रीम कोर्ट की कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता था, तो उसका आधा यानी 27% आरक्षण मिला। तो UR में अगर ओबीसी के लोग सेलेक्ट नहीं किए जाएंगे तो तुम 52% हो और तुम्हें मिल रहा 27%। और आज की डेट में कोई वैकेंसी ऐसी नहीं आ रही है जिसमें UR में ओबीसी को मेरिट में क्वालिफाई कराया जा रहा हो। 52% आबादी को 27% जगह पर कैद कर दिया गया, 15% सवर्णों के लिए 10% EWS आरक्षण दे दिया गया, 50% UR का पहले से आरक्षण है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये आज का वाक्य है और इसलिए मैंने कहा कि यह वह पड़ाव है जहां मंडल की राष्ट्र निर्माण की यात्रा अधूरी है। क्रीमी लेयर जिस दिन बढ़ जाएगा उस दिन क्या बनेगा, आपके पास क्या बचेगा? निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू होने का कोई आंदोलन नहीं। आखिरी बात कि अगर अब मैं उन लोगों से मुखातिब हूं जो उम्मीद रखते हैं कि हारे नहीं है हम, लाख बुरी परिस्थितियां आए, लाख 5 अगस्त को कहा जाए कि वह राष्ट्रीय पर्व है, हम नहीं मानेंगे। हम 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय पर्व मानते हैं और आजाद भारत की वह पहली क्रांति थी जब भारत का संविधान इस देश में लागू हुआ। मैं किसी पद पर नहीं हूं कि मैं अगर कहूंगा तो राम काल्पनिक पात्र है तो मुझे आप उस पद से हटा देंगे और फिर सामाजिक न्याय पर बीपी मंडल को बधाई देने का ट्वीट भी करेंगे, मुझे नहीं चुनाव लड़ना। लेकिन मैं यह बात दंके की चोट पर कहूंगा कि मैं 5 अगस्त को कोई राष्ट्रीय पर्व नहीं मनाने वाला, क्योंकि मेरा सवाल यह है कि 52% ओबीसी कहां खड़ा है आज, जिसने गर्व से कहा था कि वह हिंदू है। राष्ट्र निर्माण की लैंड रिफॉर्म, एजुकेशन रिफॉर्म, एम्प्लॉयमेंट रिफॉर्म, वित्तीय निगमों की पूरी व्यवस्था, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन कहां लागू हुआ? राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को तो रोक दिया गया। पूरे देश के साथ गद्दारी कर रहे वे लोग जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू नहीं होने दे रहे या लागू होने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे, यह मेरा साफ तौर पर कहना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अधूरी है। लेकिन जाते जाते बस इतना ही कहूंगा, स्याह रात नाम लेती नहीं ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। हमारे पुरखे जिस वक्त लड़े
उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, उस वक्त पढ़ी लिखी जमात ओबीसी के बीच से नहीं पैदा हुई थी, उस वक्त वो तमाम तरह से रूढ़ियों में ग्रस्त थी, सचेत नहीं थी, तब भी वो ललकार कर बोल गए कि हमें हमारा हक चाहिए, 52% ओबीसी को 52% आरक्षण चाहिए। आज आप इतने लोग हो, चलो एक नई शुरुआत करते हैं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में किसान, मजदूर, कामगार, जो जो कृषक पेशे हैं, जो लुहार, कुम्हार, बढ़ई, नाई, मोची, मल्ला, निषाद, जुलाहा, पसमांदा जातियां, कसाई, कुरैशी, अंसारी, इतनी जातियां, 37-43 जातियां तब थी पसमांदा मुसलमानों में ओबीसी जातियां, क्यों ना चलो एक नई शुरुआत करते हैं, किसानों को किसानों की भाषा में सुनाने की कोशिश करते हैं, मजदूरों के सवालों को सामाजिक न्याय का सवाल बनाते हैं, आर्थिक न्याय के सवाल को सामाजिक न्याय का सवाल बनाते हैं, लैंगिक न्याय के सवाल को सामाजिक न्याय का सवाल बनाते हैं। कहां है महिलाओं की हिस्सेदारी? बदनाम किया इस सवर्ण मीडिया ने, जो बैठ करके कहती थी कि मां सरस्वती का पावन प्रांगण दूषित हो जाएगा अगर उच्च शिक्षा में आरक्षण आ जाएगा। लो, हमारे पुरखों ने ऐसा आरक्षण तैयार किया कि तुम्हारी लाख बाधाओं के बाद भी हम तुम्हारी आंख में आंख डाल करके तैयार हैं बोलने के लिए, क्योंकि हमें संविधान ने और हमारे पुरखों ने इतनी हिम्मत दे दी है। एक पीढ़ी आ गई है विश्वविद्यालयों में, गांवों में, वो डरने वाले नहीं है। आओ अब हम एकजुट होते हैं। कुछ गलतियां हमसे हुई हैं, कुछ हमारे राजनीतिक दलों ने गलतियां की हैं, उनको किनारे करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। किसान, कामगार, श्रमशील, चौधरी छोटू राम के शब्दों में, कमेरा जातियों एक हो जाओ। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा और रामस्वरूप वर्मा के शब्दों में, श्रमजीवी जातियों एक हो जाओ। राम मनोहर लोहिया के शब्दों में, पिछड़ों एक हो जाओ। गांठ बांधो, 100 में 60 तुम्हारा है। चलो एक नई शुरुआत करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर हम लड़ाई लड़े। हम इन सवालों पर आरटीआई के जरिए जो हमारे पास डेटा है उनके जरिए चलो एक नई व्याख्या शुरू करें, और इस ब्राह्मणवादी हिंदुत्व की हेजमनी को यहीं से चुनौती मिलेगी जिस दिन इस देश का आधी आबादी का ओबीसी समाज फिर से एकजुट हो जाएगा और इस बात के लिए तैयार हो जाएगा कि हम अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। इसके लिए हम लोग आज फिर से एकजुट होने का एक संकल्प लें, एक कोशिश करें, और यह कोशिश करें कि हमारी एकजुटता किस तरह से हमारे लिए एक नया भविष्य लेकर आएगी। तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को ढेर सारी उनके जयंती पर बधाई देते हुए मैं आप सभी से इजाजत लूंगा दो नारों के साथ कि संसोपाने बांधे गाठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। कहाँ है 100 में 60? और 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। नई शुरुआत करेंगे, एक दिन वह दिन जरूर आएगा जब हम अपने हक हकूक की लड़ाई जीतेंगे, अपने पुरखों के साथ न्याय होगा। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक